आईपीएल 2023 के ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई बता चुका है कि मोस्ट लाइकली नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में हमें आईपीएल 2023 के लिए यहाँ पर मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आईपीएल ऑक्शन से पहले अब 5 खिलाड़ियों के यहाँ पर नाम कंफर्म हो चुके हैं जो कि अब आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए अपनी टीमों में यहाँ पर बदलाव करेंगे। इनमें से कुछ खिलाड़ियों को तो उनकी टीमें यहाँ पर अपने खराब प्रदर्शन के चलते उनकी टीमों से अब बाहर कर रही है। कुल मिलाकर 5 खिलाड़ियों के नाम कन्फर्म हो चुके हैं जो कि अपनी टीमें बदलेंगे। इसके साथ ही उनकी नई टीमें भी अब कंफर्म हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑक्शन से पहले आखिर कौन कौन से यहाँ पर खिलाड़ियों की यहाँ पर नई टीमें कंफर्म हो चुकी है, कौन कौन से खिलाड़ियों ने आखिर टीमों में बदलाव कर लिया। कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं उन 5 खिलाड़ियों की जो कि यहाँ पर आईपीएल 2023 के एडिशन में हमें नई टीमों की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। कौन कौन सी टीमों ने आखिर कौन कौन से खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला लिया, तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है रॉबिन उथप्पा का। दरअसल उथप्पा को चेन्नई की टीम रिलीज कर रही है, ऑफिशियल हो चुका है। इवन ट्रेड के लिए भी चेन्नई ने इनको अवेलेबल कर लिया है, तो कुल मिलाकर उथप्पा तो अब चेन्नई से बाहर होंगे, ये तय हो चुका। और रिपोर्टेडली कोलकाता की टीम करंटली इनको यहाँ पर टारगेट कर रही है। कोलकाता की टीम शायद इनको परचेस करने में इंटरेस्टेड है, तो मोस्ट लाइकली ऐसी अलग कि आईपीएल 2023 के एडिशन में अब उथप्पा यहां पर कोलकाता की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। लंबे समय तक ये गंभीर की कप्तानी में पहले भी कोलकाता का भाग रह चुका है, एक बार फिर से अब कोलकाता की तरफ से हमें ये खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद नाम आता है दूसरे नंबर पर वेंकटेश अय्यर का। दरअसल वेंकटेश अय्यर को भी कोलकाता की टीम अपनी टीम से बाहर करेगी, कोलकाता ने यह कंफर्म कर दिया। वेंकटेश अय्यर का पिछला आईपीएल काफी खराब रहा था, टोटली ये फ्लॉप रहे थे, तो वेंकटेश अय्यर अब ऑक्शन का भाग बनेंगे। इवन यहां पर ये ट्रेड भी हो सकते हो। रिपोर्टेडली मुंबई की टीम इनको अपनी टीम में शामिल करने में यहाँ पर सबसे अधिक इंटरेस्टेड है। मुंबई की टीम ऑलराउंडर की तलाश में हार्दिक पांड्या के जाने के बाद मुंबई की टीम ऑलराउंडर यहाँ पर अपनी टीम में ढूंढ रही है, तो कुल मिलाकर अब वेंकटेश अय्यर वो ऑलराउंडर बन सकते हैं। तो मुंबई की टीम अब वेंकटेश अय्यर के पीछे। इसके बाद नाम आता है मार्कस टोइनस का। दरअसल मार्कस टोइनस को भी लखनऊ की टीम इनके काफी अधिक हाई प्राइसिंग होने के कारण अपनी टीम से रिलीज कर रही है। इवन ट्रेड के लिए भी इस टीम ने अवेलेबल कर रखा, और रिपोर्टेडली चेन्नई की टीम मार्कस टोइनस के पीछे। चेन्नई की टीम भी ऑलराउंडर की तलाश में, तो शायद मार्कस टोइनस को अब ये टीम परचेस करके अपनी टीम में शामिल कर ले। अगर मार्कस टोइनस ऑक्शन में आते तो चेन्नई के लिए इनको परचेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चेन्नई की टीम चाहेगी कि पहले इनको ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल कर ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग चेन्नई का ये सही फैसला है या फिर आप बात कर लेते। इसके बाद अगले प्लेयर की, तो इसके बाद नाम आता है कायरोन पोलार्ड का। दरअसल कायरोन पोलार्ड को मुंबई की टीम अपनी टीम से रिलीज करने का मन बना चुकी है। मोस्टली ये 99% कंफर्म है कि पोलार्ड भी अब आईपीएल 2023 के ऑक्शन का भाग बनेंगे। और हार्दिक पांडे की कप्तानी वाली गुजरात की टीम ने अब पोलार्ड में इंटरेस्ट दिखाया। गुजरात की टीम कंफर्म्ड रूप से पोलार्ड को परचेस करेगी आईपीएल 2023 के एडिशन में। कंफर्म्ड रूप से अब पोलार्ड गुजरात की टीम का भाग रहेगी, तो कुल मिलाकर हार्दिक पोलार्ड की जोड़ी हमें एक बार फिर से आईपीएल में अब फिनिश करती हुई दिखेगी। लेकिन इस बार मुंबई के लिए नहीं बल्कि गुजरात के लिए ये जोड़ी फिनिश करती हुई दिखेगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद इस लिस्ट में आखिरी प्लेयर की, तो इस लिस्ट में आखिर में नाम आता है मोहम्मद सिराज का। दरअसल मोहम्मद सिराज का भी आईपीएल काफी खराब रहा था, टोटली फ्लॉप रहे थे, और आरसीबी की टीम इनको भी अपनी टीम से रिलीज टीम से बाहर करने का मन बना चुकी है। और यहाँ पर ये रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि राजस्थान की टीम इनको परचेस करने में सबसे अधिक इंटरेस्टेड है। अगर यहाँ पर आरसीबी की टीम इनको ट्रेड करती है तो राजस्थान की टीम इनको ट्रेड करने में सबसे अधिक इंटरेस्टेड है, और अगर ये ऑप्शन में आते तो राजस्थान की टीम इनको परचेस करके अपनी टीम में शामिल करेगी। तो कुल मिलाकर अब रिपोर्टेडली ये 5 खिलाड़ी तो कन्फर्म्ड रूप से अपनी टीम बदलेंगे। इवन एक तरीके से अब इनकी नई टीमें भी यहाँ पर ऑप्शन से पहले ही तय हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इनमें से कौन से खिलाड़ी को रिलीज करना इन टीमों की बेवकूफी, और आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट टीम को इनमें से कौन से खिलाड़ी को परचेस करना चाहिए, अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।